कश्मीर में रहने वाले पठान मूल रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पश्तून जनजातियों से हैं। गांदरबल और अनंतनाग में कई सालों से रह रहे पश्तो भाषी पठान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कश्मीरी संस्कृति में शामिल होने के साथ वे अपनी विरासत को संरक्षित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गांदरबल के गुटलीबाग इलाके में रहने वाले पठानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी, परिवहन और उचित सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनको नसीब नहीं हैं। इलाके का सरकारी स्कूल भी केवल 8वीं तक है, इस वजह से आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा न होने की वजह से पढ़ाई के लिए दूर जा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। हमारे कमेटी का बहुत ही परेशानी है। देखो, यहाँ तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं आज तक, पिछले 70 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे जो रोड आपने देखे, खुद आप रोड से आई, बिल्कुल छोटी गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो जाती है, बड़ी गाड़ी की तो बात ही नहीं है। हमारा बहुत ट्रांसपोर्टर यहाँ चलता है, लेकिन यहाँ की सड़क आप खुद भी देखो, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। बच्चों को बहुत पिछले 70 साल से तकलीफ हुआ, कहीं पर ग्राउंड नहीं मिला, जमीन पड़ी है बहुत सारे गवर्नमेंट की, लेकिन न कोई हॉस्पिटल बना, न कोई वो बड़े स्कूल जो हो गए वो नहीं बने। पिछले 70 सालों में यहाँ पे पहले रोड सिंगल रोड है, 12 फुट का रोड है और यहाँ हजारों गाड़ियाँ दिन में चल रही है। हजारों गाड़ियों के लिए 12 फुट का रोड बनाया है, ये तो 70 साल पहले ये बन गया था। इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है उसके बाद यहाँ पे। दूसरा मसला है हमें पानी का मसला, बिल्कुल आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को पानी आ रहा है। जो पानी हमें पिछले गवर्नमेंट ने जब PDP और कांग्रेस का ऐलान था, उस टाइम उन्होंने कांग्रेस और PDP का ऐलान, उस टाइम उन्होंने बोला था हम निजवन से यहाँ पानी लाएंगे। उसके बाद अभी तक 20 साल हुए, इन 20 सालों में किसी ने यहाँ की तरफ देखा भी, इस इलाके की तरफ देखा भी नहीं है। यहाँ हमारे एरिया में पानी की समस्या बहुत है, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, हाई स्कूल नहीं है, ग्राउंड की सहूलियत नहीं है यहाँ पे। हम बहुत सारी समस्या है हमें यहाँ पे, हमें ग्राउंड चाहिए, पानी चाहिए 24 घंटे, और हमें हाई स्कूल चाहिए, बैंक हमें पास में नहीं है, हमें 4-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, गाड़ियों की सहूलियत नहीं है हमें यहाँ पे, बहुत सारी समस्या है हमारे गांव में। इस इलाके में रहने वाले पठानों के लिए रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। पठान समुदाय को लगता है कि उनकी परेशानियों को कोई नहीं समझ रहा है, इस वजह से वे चाहते हैं कि उनके इलाके से कोई ऐसा विधायक बने जो उनकी परेशानियों को अच्छे से समझता हो। देखिए, जब तक यहाँ पे सरकारें होती थी तब तक कुछ हो जाता था, पोस्ट भी निकलते थे, यूथ भी उतना परेशान नहीं था जितना आजकल आज के ज़माने में है। तो अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, जब से गवर्नर राज हुआ है, आज 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो इन 10 सालों में हमने कुछ नहीं देखा है। खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात कर रहा हूँ, और खासकर मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ आप आई हो गुडलीबाग में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। यहाँ से बहुत परेशानी था, बहुत सारी, अब ठीक तो हो गया परेशानी, हालात भी ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं इस वक्त भी। गुर्बत भी है लोगों को, बहुत से गुर्बत है, लोग बहुत से बेकार हैं, बिल्कुल कोई, मेरे 3 बेटे तीनों बेकार हैं, मजदूरी तो नहीं मिलता उनको, पढ़ा लिखा है बेकार है लोग। इलेक्शन न्यू हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो 10 साल के बाद हमें ये लग रहा है कि हमें बदलाव ज़रूरी लाना है, अपना यहाँ पे असेंबली कायम करने और अपनी हुकूमत होना चाहिए, तो हमें अपना नुमाइंदा जो है लोकल होना चाहिए, और लोकल बहुत सारे हैं, हमारे 16 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, हम उसको चाहते हैं जो हर इंसान उसका दरवाज़ा जिसके लिए खुला होना चाहिए। पठान समुदाय को उम्मीद है कि इस बार उनकी मुराद जरूर पूरी होगी, जिससे उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। गांदरबल में भी 25 सितंबर को ही वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।